नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। एक चुनावी रणनीतिकार जिसने बीजेपी का किया बेड़ा पार, राजनीतिक में जिसकी महिमा है अपरंपार, लेकिन कांग्रेस के लिए क्यों नहीं हुआ तैयार? सवाल है, जवाब है, हम बताने को और आप सुनने को तैयार हैं, तो देर किस बात की। चलिए द न्यूज 15 के इस खास शो देख घुमाके में प्रशांत किशोर की राजनीतिक पन्नों को खोलते हैं और कांग्रेस के प्रति इनकी मनसा को टटोलते हैं। देश में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिस गलियारे में प्रशांत किशोर न पहुंचे हो। कई राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव रणनीति बनाई, 2014 में पहली बार बीजेपी के साथ काम किया जिसका परिणाम झकास रहा। हालांकि 2015 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही जेडीयू की छत्रछाया में पहुंच गया था। ऐसे तमाम बड़ी पार्टियों के साथ काम किए, कहीं बंटाधार हुआ तो कहीं बेड़ा पार हुआ। अब बात करते हैं देश की सबसे पुरानी और वर्तमान की सबसे कमजोर पार्टी कांग्रेस की। कांग्रेस के बारे में क्या ही बोले, देश का बंटाधार तो कर ही बैठे थे, परिवारवाद के चक्कर में पार्टी का भी बंटाधार कर बैठे। पर पिछले कुछ दिनों से एक बात सामने आ रही थी कि पीके कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं और इनकी डूबती नैया को 2024 में पार लगाने वाले हैं। लेकिन अचानक खबर सामने आई कि चुनावी जादूगर को सोनिया दीदी नहीं भाई। इसके पीछे की वजह क्या रही, थोड़ा इसका भी माजरा समझते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बात से साफ मना कर दिया था कि प्रशांत किशोर को अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें कोई भी विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। तो मतलब साफ है कि सोनिया जी को यहाँ भी डर था कि कहीं पीके उनकी कुर्सी न हथिया ले। खैर, ये सब मजाक तो होती रहेगी। सोनिया जी ने आगे क्या कहा इसे भी सुन लीजिए। तो अर्ज किया है, ये हम नहीं कांग्रेस कह रही है, पीके पार्टी में शामिल तो हो रहे हैं लेकिन संगठन में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। मैडम जी, इसको संगठन काहे कह रही हो, घर ही घोषित कर दो। बाकी आपकी पार्टी को पीके की नहीं बल्कि जीके की जरूरत है। अब आते हैं वाद और विवाद पर। कांग्रेस में कुछ उथल पुथल हो और रणदीप सुरजेवाला न बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुरजेवाला ने कहा प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। हम पार्टी के लिए उनके प्रयासों और सुझावों का सम्मान करते हैं। ये जो सम्मान है ना, ये तीन ही लोगों पर सीमित है, हम नाम नहीं लेंगे, खुद ही समझ लीजिए। पीके का सम्मान कर लेते तो पार्टी का सम्मान बच जाता। उधर प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि मैंने ईएजी के हिस्से के तौर पर पार्टी में शामिल होने की कांग्रेस की पेशकश को ठुकरा दिया है और चुनावों के लिए जिम्मेदारी ली है। मेरे विचार से सांगठनिक समस्याओं को ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।